दोस्तों ये है गिद्ध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर। कई देशों में इन्हें देखना बैड लक माना जाता है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जितने भी जीव बीमारी या किसी शिकारी द्वारा मारे गए होते हैं, उन जीव का बचा और सड़ा हुआ मांस खाकर उस जगह को ये वायरस और फंगस से दूर रखते हैं, जो सबसे जरूरी है, जिससे हवा बिल्कुल साफ रहती है। लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर ये भी शिकार करते हैं। तो आज हम बात करते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। फैक्ट नंबर वन, इनके पेट में पाए जाने वाला हाईली कोरोसिव एसिड, जो किसी भी सड़े गले खाने को काफी तेजी से डाइजेस्ट कर देता है, जैसे कि बोन तक को भी डाइजेस्ट कर देता है, और ये एक बार पेट को भर लेने के बाद कुछ दिन बिना खाए भी रह सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, ये जीव खतरा या डिस्टर्ब किए जाने पर उल्टी या वोमिट करते हैं, जिससे ये पेट को खाली कर सके और ज्यादा तेजी से उड़ सके और फिर उस जगह से आसानी से भाग सके। फैक्ट नंबर थ्री, अक्सर गिद्ध अपने लेग मतलब अपने पैर पर ही पेशाब करते हैं। इसके पीछे की जो मेन वजह है, जब भी ये किसी मरे हुए जानवर का सड़ा गला मांस खाते हैं तो इनके पैर में कुछ बैक्टीरिया और वायरस लग जाते हैं। जब इस पर ये पेशाब करते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, जब भी ये अपने पैर पर पेशाब करते हैं तो वो पेशाब इवेपोरेट हो जाती है और इनको गर्मी के सीजनों में ठंडक प्रोवाइड करती है। फैक्ट नंबर फोर, ये कई किलोमीटर दूर से अपने भोजन को सूंघ लेते हैं और आसानी से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इनकी आंखें इंसानों की आंखों से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। हमारे भारत देशों में गिद्धों की संख्या 50 सालों में करीब 1 करोड़ से घटकर 1 लाख ही रह गई है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन का बढ़ना और क्लाइमेट में चेंजेस। दोस्तों ये है घड़ियाल, जो कि क्रोकोडाइल प्रजाति का एक जीव है। ये ज्यादातर आपको भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धीमी और शांत बहने वाली नदियों के पास पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य तौर पर भोजन होता है वो होता है मछली और जलीय पक्षी। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये मनुष्य का भी शिकार कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो 100 से अधिक नुकीले दांत होते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इनके जबड़े को, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से खत्म कर देते हैं, और ज्यादातर ये अपने शिकार को निगलना पसंद करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 30 से 50 वर्ष का होता है, और वजन की बात करें तो इनका वजन 150 किलो से लेकर 250 किलो के आसपास होता है, और इनकी लंबाई 10 से 15 फीट तक होती है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो फैक्ट नंबर वन, घड़ियाल के जो पैर होते हैं इनके शरीर के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं, और इसलिए ज्यादातर जमीन पर नहीं घूम सकते, जिससे ये अपना अधिकांश समय पानी में बिताते हैं। ये केवल धूप सेकने या अपने अंडे को देने के लिए ही पानी से बाहर कीचड़ वाली जगह पर आते हैं। फैक्ट नंबर टू, घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जिसकी आंखें उसके सिर के बिल्कुल ऊपर स्थित होती हैं, जिससे ये पानी के नीचे रहकर अपने शिकार और शिकारियों पर नजर रखते हैं और ये खुद को भी छिपाने में मदद करते हैं। इनके पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो जाल की तरह होती हैं, और इसकी जो पूंछ होती है वो चपटी होती है, इससे इन्हें पानी में बहुत शांति तरीके से तैरने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अगर कोई भी घड़ियाल पानी में से आपके सामने से गुजर गया तो आपको पता भी नहीं लगेगा, इतने शांत तरीके से ये तैरते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, घड़ियाल ज्यादातर मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं, बट या नदियों का पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से ये ज्यादातर इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिली है, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें बचाने के लिए नए नए कदम उठाए हैं और इसे IUCN की लिस्ट में भी घोषित किया गया है। दोस्तों ये है बंगाल टाइगर, और टाइगर प्रजाति में इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जो इनके दांत होते हैं वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं, करीब 4 इंच के। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर वन, बंगाल टाइगर तैरने में काफी ज्यादा तेज और फुर्तीले होते हैं। ये तालाब, नदी, नहर आदि को काफी आसानी से पार करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, ये टाइगर आपको ज्यादातर सुंदर वन के जंगलों में मिलेंगे, जिसका 30% भाग इंडिया के बंगाल में है और 70% बांग्लादेश में है। बात करते हैं दूसरे देशों की, तो ये नेपाल, भूटान और साउथ चाइना में भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर की पावर काफी ज्यादा होती है, ये शिकार में जंगली सुअर, हिरण, बंदर और यहाँ तक एलिफेंट के बच्चों का शिकार
बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। शिकार करने के बाद ये टाइगर लगभग 15 से 20 किलोमीटर एक बार में आसानी से खा जाते हैं और लगभग साल में 40 से 50 शिकार करते हैं। इनका वेट लगभग 250 किलो से लेकर 300 किलो तक होता है और लंबाई की बात करते हैं तो ये 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका जीवन काल 15 से 25 साल तक होता है। फैक्ट नंबर 3, बंगाल टाइगर शिकार करने में काफी ज्यादा चालाक होते हैं। ये आसानी से घास फूस पेड़ पौधों के बीच में छुप जाते हैं और साइलेंटली अपना शिकार करते हैं और जरूरत पड़ने पर ये पेड़ की कुछ हाइट तक भी चढ़ने की क्षमता रखते हैं। इनके दांत की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 4 इंच तक होती है, जो कि टाइगर प्रजातियों में सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, ये इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की जो बाउंड्री होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई उसमें कटाई ना कर सके। जैसे कि मानव होते हैं कटाई करते हैं, वो करते हैं, तो ये वहां पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बट इनका शिकार काफी तेजी से हुआ, जिससे इनकी जो संख्या है 50,000 से घटकर 4,000 के आसपास रह गई है, क्योंकि पहले के राजा महाराजा इनका शिकार अपनी शौक के लिए करते थे और इनकी खाल को अपने महलों में सजाया करते थे। दोस्तों, ये है स्लॉथ बियर, जिसे हिंदी में सुस्त भालू भी कहा जाता है। इस प्रजाति के भालू को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित घोषित किया गया है, क्योंकि इनकी ब्लैक मार्केटिंग काफी तेजी से हो रही थी, जिसके कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये भालू आपको गर्म जगह जैसे कि भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका देशों के घास के मैदान, झाड़ियों और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। इनके सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। ये आमतौर पर मानसून के मौसम में आम, अंजीर, सब्जियां और अन्य फलों के साथ साथ फूलों को भी खाते हैं और फल ना आने वाले मौसम में ये भालू अपने आहार में 95% कीड़े खाना, मधुमक्खी के छत्ते पर अटैक करके शहद खाना और जरूरत पड़ने पर किसान की फसलों पर हमला भी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2, इनके पैर के जो पंजे होते हैं उनका नाखून काफी ज्यादा लंबे और नुकीले होते हैं, जिससे ये कीड़ों और जो छोटे जीव होते हैं उनको आसानी से खोदकर बाहर निकालकर खा जाते हैं और जरूरत पड़ने पर ये अपनी नाक को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, जिससे कोई भी कीड़ा या धूल मिट्टी इनके अंदर ना जाए। दोस्तों, ये है लॉयन टेल मकाक, जिसे हिंदी में लोग बोलते हैं शेर पूछ वाला बंदर। ये आपको दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के वर्षा वाले वन और पहाड़ी वाले क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देंगे। इनकी बॉडी काले बालों से ढकी होती है और जो इनका चेहरा होता है उसके चारों ओर ग्रे या सिल्वर के बाल होते हैं, जो इसे और बंदरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं, जिससे ये और बंदरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इनकी जो पूंछ होती है बिल्कुल शेर की तरह होती है, इसलिए इन्हें लॉयन टेल मकाक कहा जाता है, शेर पूंछ वाला बंदर। बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ये ज्यादातर आपको समूह या ग्रुप में दिखेंगे और दिन के उजाले में ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनका आधा दिन खाने में और बाकी आराम या नए क्षेत्रों को खोजने में गुजरता है और ये रात के समय में जो पेड़ की मोटी टहनियां होती हैं उस पर सोते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये खाने में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का यूज करते हैं। ये ज्यादातर फल, बीज, फूल, कीड़े आदि खाना पसंद करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये केरल के जंगलों में कबूतर के जो अंडे होते हैं और या उनके जो चूजे होते हैं उनका भी शिकार कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, इन्हें ICUN की रेड लिस्ट में जारी किया गया है, क्योंकि जंगल कटने और कम वर्षा होने की वजह से इनकी जो संख्या है वो करीब 3 से 4 हजार के ही बीच में रह गई है। दोस्तों, इस पक्षी का नाम है काली गर्दन वाला सारस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क। इसकी गर्दन और चोंच की लंबाई काफी ज्यादा होती है। इसकी हाइट लगभग 4 फुट से लेकर 7 फुट तक हो सकती है। ये पक्षी भोजन में पौधों की जड़, कीड़े, मछली, मेंढक को खाना पसंद करते हैं। तो बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो फैक्ट नंबर 1, इनके पास वोकल ऑर्गन नहीं होता, जिससे ये और पक्षियों की तरह आवाज नहीं निकाल पाते। ये पक्षी एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए अपनी जो लंबे पंख होते हैं इसको फड़फड़ाते हैं तेजी से,
या तो चोंच को तेजी से आपस में टकराते हैं जिससे आवाज क्रिएट होती है। फैक्ट नंबर टू, ये ज्यादातर बड़े तालाब और दलदली कीचड़ वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं, वहां पर ये बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं और ज्यादातर आप इन्हें तालाब या एग्रीकल्चर लैंड के पास देखने को मिलते हैं। इस पक्षी को भी IUCN की रेड लिस्ट में सूचित किया गया है क्योंकि ये प्रजाति विलुप्त होने के कागार पर है।